एक बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था हज। हमने जो है बिना अनाउंसमेंट के हमने जो है वो हज का पिछले साल जो है वो कोटा बढ़वाया, इस बार भी कोटा बढ़ा। साथ ही साथ जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जिसको कि ज़्यादा मीडिया में भी नहीं आया है, हज सब्सिडी हमने ख़त्म कर दी है। अब हज सब्सिडी ख़त्म हो गई और उसके बाद किसी ने भी मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी इसको लेकर के किसी भी तरह का शोर नहीं मचा। उसका एक कारण है कि हमने जो है सब्सिडी को ख़त्म करने से पहले वो सारे ऑप्शंस तैयार किए जिससे कि लोगों पर जो है वो बोझ कम से कम पड़े। हमने अभी ऑप्शन दे दिया है कि जो श्रीनगर का अगर जो आदमी है हज पिलग्रिम पे जाना चाहता है वो दिल्ली से भी जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था, श्रीनगर का श्रीनगर से ही जाएगा। ऐसे ही हमने जो है वो गया का व्यक्ति अगर चाहेगा तो वो कोलकाता से भी जा सकता है, यानी गया से उसको 1,50,000 देना पड़ेगा, कोलकाता से उसको 60,000 रुपये में चला जाएगा। श्रीनगर से उसको 1,60,000 देना पड़ेगा, दिल्ली से वो 60,000 रुपये में चला जाएगा। इतना बड़ा डिफरेंस है। एक दूसरा अभी बाउंड्री खड़ा हुआ हज पे, ये महरम पे, मतलब आप लोग किसी की भी डिसीजन का फायदा आप लोग उठा लेंगे, क्लेम अपने ले लेंगे? देखो भैया, इसमें कोई क्लेम उलेम की ज़रूरत है नहीं, ना तो जो है इसमें कोई क्रेडिट की ज़रूरत है। एक सिस्टम चला आ रहा था वर्षों से, सदियों से, वो दशकों से, कि जो विदाउट मेल कंपेनियन औरतें जो है हज पे नहीं जा सकती थी। बहुत से लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया, कुछ औरतें मिली भी, मुझे भी मिली, और एक फिर कमेटी हम लोगों ने बनाई उसके उसने अध्ययन करने के लिए, उसने भी उस कमेटी की भी ने भी डिस्कस किया इस पर। तो उसमें ये हुआ कि भाई ये बताइए कि ये हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, दुनिया के तमाम देश जो है और स्पेशली इस्लामिक देश अलाउ कर रहे हैं, हम कौन होते हैं रोकने वाले? तो हमने वो जो बैन था उसको लिफ्ट किया और वो बैन लिफ्ट हुआ और इस बार जो है वो 1,300 से ज़्यादा महिलाएँ अकेले जा रही हैं हज पर।